पंजाब में प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को भंग होते देख भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैंने कांग्रेस सरकार के और कांग्रेस के नेतृत्व के समक्ष कुछ प्रश्नों को प्रस्तुत किया था। आज मुझे ये कहते हुए आनंद की अभिभूति नहीं होती कि एक टेलीविजन नेटवर्क ने जिन प्रश्नों को मैंने प्रस्तुत किया उनके कुछ चिंताजनक परिणाम राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत किए हैं। पंजाब पुलिस अधिकारियों के बयान एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर सच को उजागर करते हैं। पंजाब पुलिस के एक अधिकारी का ये वक्तव्य कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा भंग होने की वो सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को पंजाब के प्रशासन पंजाब की कांग्रेस सरकार को देते रहे लेकिन सरकार की ओर से कोई भी ऐसा हस्तक्षेप जो प्रधानमंत्री जी को सुरक्षित कर सके ऐसी कोई भी कार्रवाई पंजाब की कांग्रेस सरकार ने नहीं की। मैं अपने प्रश्नों को दोबारा दोहराने के साथ साथ एक नया प्रश्न उसमें जोड़ती हूं। डीजीपी ने क्यों पूरी की पूरी व्यवस्था और रूट सुरक्षित है ऐसा संदेश प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा टीम को दिया? पंजाब के वो कौन कांग्रेस की सरकार के आला अधिकारी हैं जो इस सूचना इस अलर्ट के बावजूद प्रधानमंत्री जी को सुरक्षित करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रहे थे? पंजाब के आला अधिकारियों को कांग्रेस की सरकार के किस नेता ने आदेश दिया कि पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खंडित किया जाए? ये दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस के नेता इस गंभीर परिस्थिति को किसी न किसी हास्यास्पद तरीके से छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं। पंजाब पुलिस के अधिकारियों का बयान देना कि बार बार उनकी कोशिशों के बावजूद कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने जानबूझकर प्रधानमंत्री को एक असुरक्षित माहौल में रखा ये न सिर्फ निंदनीय है बल्कि दंडनीय भी। लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ द मीडिया, ऑन द 5th ऑफ जनवरी ऑन बिहाफ ऑफ द भारतीय जनता पार्टी वी केम टू यू विद आर आउटरेज with regards to the breach of the Honorable Prime Minister's security in the state of Punjab. The questions I posed before you to the Congress High Command and the Congress leadership were this: why did the DGP police in Punjab give an all clear in terms of the safety of the route that was to be undertaken by the Honorable Prime Minister? This question was met with an expose by a national news channel. What is extremely disconcerting is that Punjab police officials in this news report have highlighted how
दे कंटिन्यूसली एंगेज विद द कांग्रेस गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन पंजाब टू ब्रिंग टू लाइट द थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड हिज रूट. The question that begets this expose is who in the Punjab Congress-led government continued to deliberately ignore these threats to the Prime Minister's security. Today, I am joined with and by Shri Anil Baluni to reiterate those very questions to the Congress High Command. Why were security measures which are protocoled for the Honorable Prime Minister deliberately breached due to the active connivance of the Congress-led government in Punjab? Who sought to benefit in the Congress party from the breach of the Prime Minister's security? Ravinder ji, रविंद्र जी, जब मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हुई थी 5 जनवरी को, तब कांग्रेस के नेतृत्व में प्रधानमंत्री की असुरक्षा को लेकर, सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर जश्न का माहौल था. तत्पश्चात जब देश भर ने अपने आक्रोश को प्रस्तुत किया, तो गांधी परिवार की राजनीतिक आत्मा जागी. आज जो आपने श्रीमती वाड्रा के संदर्भ में मुझसे प्रश्न किया है, मुझे ज्ञात है कि उन्होंने स्वयं एक इंटरव्यू में इस बात को कबूला कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने उनको ब्रीफ किया प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच के संदर्भ में. प्रश्न ये उठता है कि एक नागरिक की क्या सिक्योरिटी क्लियरेंस है कि उनको एक चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा प्रोटोकॉल और ब्रीच के संदर्भ में, जो डिटेल्स मात्र सुरक्षा एजेंसीज या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज तक सीमित होनी चाहिए, उसके संदर्भ में ब्रीफिंग क्यों एक प्राइवेट सिटीजन को हुआ? क्यों वो प्राइवेट सिटीजन जो गांधी परिवार का हिस्सा है, एक इंटरेस्टेड पार्टी है? मैं इतना ही कहूंगी कि मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझती. जिस पैनल का उन्होंने गठन किया है, उसके माध्यम से जब फैक्ट्स प्रस्तुत होंगे, मेरी पार्टी की ओर से अगर निर्देश होगा तब उस पर टिप्पणी करना, तो मैं निश्चित रूप से करूंगी. लेकिन जो मैंने रविंद्र जी को कहा, मैं स्तब्ध हूं कि वो अब तक किसी पत्रकार ने पूछा नहीं कि एक साधारण व्यक्ति, उसके पास क्या सिक्योरिटी क्लियरेंस थी और वो क्यों इंटरेस्टेड पार्टी है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा किस प्रकार से भंग हुई, सुरक्षा के प्रधानमंत्री के क्या प्रोटोकॉल हैं, उसके बारे में जानकारी उनको क्यों दी गई? जी हिमांशु, किस तरीके से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जब जानकारी थी उसके बावजूद भी कुछ नहीं किया?
मैंने हिमांशु जी जब अपना वक्तव्य 5 जनवरी को दिया तब कहा प्लांटेड पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, दिस इज पोस्ट द विड्रॉल ऑफ द फार्मर्स बिल. सो आई अगेन रिएटरेट हु बेनिफिटेड इन द कांग्रेस पार्टी फ्रॉम ब्रीचिंग द प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी and putting the Prime Minister at harm.